इटारसी में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसी के चलते प्रशासन रोको टोको अभियान चला रहा है और सड़क पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन शनिवार को जब एसडीएम और तहसीलदार ने एक स्कॉर्पियो को रोका तो महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया, जो करीब 15 मिनट तक चला, जिसके बाद एसडीएम ने महिला को थाने भेजकर चालानी कार्रवाई की। एक्चुअल में इटारसी में जो कोरोना बढ़ रहा है उसके कारण जो है जो कोरोना कर्फ्यू है उस पर सख्ती करने के लिए जो लोग फालतू घूमते हैं बिना काम के, जो आवश्यक कार्य के अलावा अभी लोग आते रहते हैं उनकी पूछताछ हम लोग कर रहे थे। गाड़ियाँ रोक के उनसे पूछताछ कर रहे थे। एक महिला जो यहाँ पे LKG कॉलोनी में रहती थी, वो उनसे पूछा, पुलिस ने रोक के पूछा, तो वो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए आए थे कि हमारी गाड़ी में जो है हवा कम हो रही थी, इसलिए बढ़ाने आए। उन्होंने कहा ये कोई काम नहीं है, अर्जेंट काम नहीं है, जिसके कारण जो है आप बाहर आए, ये गलत है, आपको जो है फाइन कराना पड़ेगा, आपको फाइन जुर्माना जमा करना पड़ेगा। तो वो भड़क गई और उल्टी सीधी बातें करने लगी, पुलिस के साथ बदतमीजी की, CMO मैडम के साथ की, तहसीलदार के साथ बदतमीजी की। फिर उनको जो है हमने गाड़ी को उसको थाने भेजा और फिर उसका फाइन कराया, जुर्माना कराया। इस